10 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में आयोजित की जाएगी और इस बैठक को लेके सीधे तौर पर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो दो दिन पहले से ही पार्टी कार्यालय में अपनी रणनीति बना रहे थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, श्याम रजक सहित पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी इस बैठक में शामिल थे और बैठक में रणनीति बनी कि संगठन का विस्तार, संगठन को धारदार देने के लिए संगठन की मजबूती और सरकार कैसी बन जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर यह अहम बैठक 10 फरवरी को आयोजित की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पटना आने पर भी चर्चा की गई। कहा गया कि अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार होता है तो वो 10 तारीख के बैठक में शामिल होंगे, अगर उनकी तबीयत में सुधार नहीं होता है तो वो दिल्ली से वर्चुअल भी जुड़ेंगे। दोनों ही पैमाने पर तैयारी की गई है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव उपस्थित हो सके। एक तरफ वर्चुअल लालू प्रसाद यादव को जोड़ने की तैयारी है, दूसरे तरफ अगर लालू प्रसाद यादव की सेहत ठीक रहती है तो वो 9 तारीख की शाम पटना पहुंच सकते हैं और पटना में वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे या राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय या 10 सर्कुलर आवास, जो लालू राबड़ी का जो आवास है वहां पे शामिल होंगे, ये फिलहाल तय नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके की जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के सूत्रों से निकल के सामने आ रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 9 तारीख की शाम पटना के लिए रवाना होंगे और 10 तारीख को जो राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसमें वो खुद शामिल होंगे और नेताओं को टिप्स देंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में बिहार के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कई जो योजनाएं हैं भविष्य के लेके, जो सरकार को घेरने की जो रणनीति है नीतीश सरकार की, उस पर भी फैसला होगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं, उन तमाम पदों पर राजद के अंदर जो संवैधानिक पद हैं उन पदों पर जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी है उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी और उसकी तिथि तय की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके जो अन्य पद हैं उन पर चुनाव होने हैं, इसके लिए जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है और पार्टी के नेता है वो मंथन करेंगे कि कब कौन सा चुनाव कराया जाए। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर नए लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए, ऐसे में सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ी मुहिम होगी। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव के पटना आने की चर्चा तेज हो गई है, दूसरे तरफ लालू प्रसाद यादव के ऊपर एक बार फिर से चारा घोटाले के जो मामले हैं उस पर तलवार भी लटक रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब पटना आएंगे उस वक्त सबकी निगाह है लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे पर टिकी रहेगी कि क्या पार्टी कार्यालय में तेज प्रताप यादव पहुंचते हैं या फिर राबड़ी आवास पे यह बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें दोनों ही बेटे शामिल होंगे। लेकिन इन सबके बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, यह तय हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव आने वाले वक्त में आरजेडी को और धारदार बनाने के लिए, साथ ही साथ नीतीश सरकार को घेरने के लिए जिस मुहिम की शुरुआत करेंगे उसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ जो यात्रा है उससे लेकर क्या कुछ रणनीति बनेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन सबसे अहम जो होगा वो पार्टी के संगठन के जो संगठित चुनाव होने हैं उस पर अंतिम फैसले होंगे।